हेलो प्यारे विद्यार्थियों, समा अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करते हैं तृतीय योगात्मक आंकलन कक्षा 7 विषय हिंदी के क्वेश्चन आंसर्स की बात करेंगे, यानी आपके जो RKSMB के थर्ड है उसके क्या आंसर रहने वाले हैं, यानी किस तरीके का जो आपका पेपर है वो आया है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम और अपने रोल नंबर लिखने हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन कैसे दबाएं ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। शुरुआत करते हैं। नृत्यांगना भाव भंगिमा के साथ नाच रही थी, दी गई पंक्तियों में भाव भंगिमा शब्द का क्या अर्थ है? तो भाव भंगिमा शब्द का अर्थ होता है हाव भाव, तो आपने भी हाव भाव किया होगा। निम्न में से शुद्ध शब्द है, तो निम्न में शुद्ध शब्द है सृष्टि, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सृष्टि। तीसरा है कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है, कम बोलने वाले को कहते हैं अल्पभाषी, यानी जो कम बोलता है, अल्प का मतलब होता है कम, तो कम भाषी। फिर है विस्तार का विलोम शब्द है, तो विस्तार का विलोम होता है संक्षेप। सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो सावधानी में ई प्रत्यय है, सावधान प्लस ई, सावधानी। नेक्स्ट है दिए गए वाक्य में क्रियापद का चयन कीजिए, बालक पेड़ से गिर पड़ा, तो क्रियापद हो जाएगा गिर पड़ा। नेक्स्ट है एक गरीब किसान के दो बेटे थे, दोनों पढ़ने में बहुत होशियार थे, किसान को अपने दोनों बेटों पर क्या था? गर्व था, तो यहाँ पे लिखा जाएगा गर्व। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्य को पूरा करके करने वाली पंक्ति है, वह इतना धीरे चल रहा था मानो मानो कछुआ चल रहा हो, यानी इतना धीरे चल रहा था मानो कछुआ चल रहा हो। नेक्स्ट है दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 9 से 12 के उत्तर दीजिए। आपको इस गद्यांश को पढ़ना है, जैसे एक जंगल में एक पारिजात का पेड़ था, उसकी सुंदरता बेजोड़ थी, पारिजात को भी अपने गुणों का पता था, नीले आसमान में सिर उठाए शान से खड़ा था, मानो पेड़ों का सरताज हो, जब बाहर के दिन आते तो पारिजात अनगिनत नन्हे नन्हे फूलों से लज जाता था, तो ऐसा लगता मानो किसी ने आकाश से सारे तारे तोड़कर पारिजात की शाखाओं पर टांग दिए हो, नन्हे फूलों से झिल मिलाता पारिजात सुगंध भरी पराग जंगल में बिखेरता, तो जंगल नंद नवन बन जाता, सतरंगी सोले ओडे चटकीली तितलियां सहेलियों के साथ झुंड के बनाकर पारिजात का श्रृंगार देखने आती, तथा जाते जाते फूलों को खींचकर ढेरों पराग अपने साथ ले जाती। तो जंगल में किसका पेड़ था? तो जंगल में पारिजात का पेड़ था। दूसरा है पारिजात स्वयं को क्या समझता था? तो वह पेड़ों का सरताज समझता था। वह अनगिनत फूलों से कब लज जाता था? तो बहार में वह पेड़ों से जो फूलों से लज जाता था। तितलियां क्या करती थी? तो फूलों का पराग ले जाती थी। तो ये पैसेज के जो गद्यांश है उसके उसमें से दिए गए लिए गए उत्तर हैं ये। फिर दिए गए विकल्पों में से एक अर्थ वाले शब्दों का समूह चुनिए, एक अर्थ जो जिनमें दोनों का अर्थ समान आए, तो पाषाण और पहान दोनों का अर्थ क्या होता है? पत्थर होता है। फिर दिए गए वाक्य में कौन सा शब्द अशुद्ध है? संसार में यह बीमारी कोरोना वायरस के कारण फैली थी, तो अशुद्ध है बीमारी, तो बीमारी में री क्या होती है? बड़ी आती है। फिर है दूसरों का उपकार करने वाला के लिए एक शब्द है, तो दूसरों के वे उपकार करता है उसको बोलते हैं परोपकारी। नेक्स्ट है दिए गए वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? रेखा और सुरेखा बुद्धिमान बहिने हैं, तो बुद्धिमान, तो बुद्धिमान यहाँ पे क्या है? विशेषण है। वाक्य में क्रिया शब्द है, अतिथि ने घर का दरवाजा खटखटाया, तो क्रिया वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा हो जाएगा? खटखटाया, यानी खटखटाना क्या है? क्रिया है। पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य में कहाँ किया जाता है? तो पूर्ण विराम चिन्ह का वाक्य में वाक्य के अंत में किया जाता है, तो वाक्य के अंत में। दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 19 से 21 के तक के उत्तर दीजिए। आपको फिर एक क्या पढ़ना है? गद्यांश पढ़ना है और इसके उत्तर देने हैं। सच्चा मित्र एक शिक्षक के समान होता है, जिस प्रकार शिक्षक अपने छात्र को सैमार्ग की ओर अग्रसर करता है, उसी प्रकार एक सच्चा मित्र अपने मित्र को पाप के गर्त में गिरने से बचाता है। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है फिर आंसर देने हैं। पहला है उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हृदय पर किसके उपदेश का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? तो मित्र का। किसका पड़ता है? मित्र का।
फिर है उपयुक्त गद्यांश के अनुसार सच्चा मित्र किसके समान होता है, तो सच्चा मित्र शिक्षक के समान होता है। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार मित्र का उपदेश होता है कैसा होता है, कल्याणकारी होता है। बहुवचन शब्द का विकल्प नहीं है, तो किसमें नहीं है, विधि में नहीं है, बाकी सारे क्या है, बहुवचन है, विधियाँ नीतियाँ रीतियाँ। दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द चुनिए, तो शुद्ध शब्द है कृपा, क्या है, कृपा। दिए गए शब्दों में जलद शब्द का पर्यायवाची होगा जलद, जलद का हो जाएगा नीरद, यानी इसका पर्यायवाची है नीरद। फिर है लालटेन पंखों वाली उड़े अंधेरी रात, ना तेल ना बाती, जाड़ा या बरसात। पहली के अनुसार लालटेन है, लालटेन यहाँ पे क्या है, जुगनू है, जो क्या करता है, लालटेन पंखों वाले, यानी उसके पंख कैसे होते हैं, लालटेन के जैसे होते हैं, और अंधेरी रात के अंदर उठता है। ना तेल की आवश्यकता है, ना बाती की आवश्यकता है, और चाहे सर्दी हो या बारिश हो। नेक्स्ट है, दी गई पहली में किसके बारे में कहा गया है, हरी थी मन भरी थी, लाल लाख मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। यानी हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी, तो ये हो जाता है मक्का। जो मक्का के अंदर अगिनत दाने होते हैं और उसके ऊपर एक कवर होता है, जिसे वो कह रही है कि राजा जी के बाग में मैं दुशाला ओढ़े खड़ी थी। नेक्स्ट है, पहले की पंक्तियों में संदर्भित संदेश है, एक एक अंगुली से मिलकर बन जाता है हाथ, एक एक की ताकत देखो चलो हमारे साथ, तो इसका अर्थ क्या है, शक्ति का संदेश दे रहा है, यानी किसका संदेश दे रहा है, शक्ति का। उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 28 से 30 की उत्तर दीजिए। मौसम आज पतंगों का है, नम में राज पतंगों का है, रंग बिरंगी पतंगों का है, मौसम नई उमंगों का है, निकले सब ले डोर पतंगे, उड़ा रही शोर पतंगे। अपन देखते हैं, अब है उपयुक्त गद्यांश के अनुसार आज मौसम है कैसा है, पतंगों का, आज मौसम कैसा है, पतंगों का है। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार आकाश में किन रंगों की पतंगे हैं, तो रंग बिरंगी पतंगे हैं। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार किसके हृदय में कैसा भाव है, तो पतंग उड़ाने की चाह है, क्या है, पतंग उड़ाने की चाह। आई होप कि आपके भी इस तरीके से आंसर आपने भी सही किए होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।